आज की वीडियो बेस्ड है कमेंट पर और कमेंट किया है @RX7XE2UY7H ने। इन्होंने लिखा है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि जो स्क्रिप्ट हम रजिस्टर किए हैं वो ऑलरेडी किसी ने रजिस्टर की है या नहीं, और SWA भी कैसे डिसाइड करता है कि जो स्क्रिप्ट रजिस्टर करने के लिए आई है वो न्यू है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सर, प्लीज रिप्लाई। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, आप में से बहुत सारे राइटर के दिमाग में ये डाउट होगा, तो मैं सबसे पहले इनका क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखिए SWA में बहुत सारी स्क्रिप्ट जो है वो रजिस्टर करने के लिए आती है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो स्क्रिप्ट लिखी है, जो स्क्रीन प्ले लिखी है, जो मैटर है आपके स्क्रीन प्ले का, वो पहले से रजिस्टर नहीं है SWA में। और SWA की टीम को कैसे पता चलता है कि जो स्क्रिप्ट आई है रजिस्टर होने के लिए वो इसी पर्सन ने लिखी है, पहले से किसी ने इसे रजिस्टर नहीं करवाया है। तो ये सभी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ आकाश वजक और आप देख रहे हैं RS फिल्म्स प्रोडक्शंस। देखिए सबसे पहले तो जिनको नहीं पता है मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप एक स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, तो आपको SWA से राइटर कार्ड बनवा करके अपने स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवाना होता है, ताकि वो चोरी ना हो, तो आपको उसे रजिस्टर करवाना बहुत जरूरी होता है। और अगर आपने अभी तक अपना राइटर कार्ड नहीं बनवाया है, बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं राइटर कार्ड बनवाने के लिए। यहाँ से आपको बिल्कुल जेन्युइन फी में, बिल्कुल अफोर्डेबल फी में राइटर कार्ड बन करके मिल जाएगी। पूरे इंडिया में सबसे कम फी में आपको राइटर कार्ड यहीं से बन करके मिलेगी। तो अगर आपको बनवाना है तो आप हमें स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, घर बैठे आप बनवा सकते हैं। तो देखिए अब मान लीजिए आपने अपने राइटर कार्ड बनवा लिया और आपको करवानी है अपने स्क्रिप्ट को रजिस्टर। आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो स्क्रिप्ट लिखी है वो SWA में पहले से रजिस्टर है या नहीं है? तो देखिए इसका सिंपल ये आंसर है ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने जो स्क्रिप्ट लिखी है वो पहले से रजिस्टर है या नहीं है। और SWA को भी इनफैक्ट पता नहीं रहता है कि जो स्क्रिप्ट आई है वो पहले से रजिस्टर है या नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि SWA फिर काम कैसे करता है, कैसे वो आपको आपकी स्क्रिप्ट को कॉपीराइट करके दे देता है आपके नाम पर। तो देखिए इसका जवाब ये है ना कि मान लीजिए कि दो पर्संस हैं, ठीक है, एक आप है और एक आपके फ्रेंड है, दोनों ने स्क्रिप्ट को लिखा, सेम स्क्रिप्ट को लिखा, आपने ओरिजिनल स्क्रिप्ट लिखी और आपसे आपके फ्रेंड ने चीट करके वो स्क्रिप्ट लिख ली, आपसे कभी मांगा उन्हें कि थोड़ा लाओ मुझे दो, मैं देखता हूँ कैसा है वो, आपने पढ़ने के लिए उसे दे दिया और उसने क्या किया, उसने भी वो स्क्रिप्ट को लिख लिया। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि आपके फ्रेंड ने आपसे पहले उसे SWA में रजिस्टर करवा लिया और आपने फिर बाद में रजिस्टर करवाया, क्योंकि आपने तो पढ़ने के लिए दे दिया अपने फ्रेंड को, तो आपके फ्रेंड ने आपसे पहले रजिस्टर करवा लिया। तो अब यहाँ पर क्या होगा ना कि SWA जब स्क्रिप्ट को रजिस्टर करती है तो वहां पर अपना स्टाम्प वगैरह डालती है, QR कोड वगैरह डालती है, और जो रजिस्ट्रेशन है ना उसके टाइम और डेट को वहां पर वो प्रिंट कर देती है। तो डेट और टाइम स्क्रिप्ट रजिस्ट्रेशन का आपकी स्क्रिप्ट में प्रिंट हो जाता है। अब देखिए आपके फ्रेंड ने पहले रजिस्टर करवा लिया, तो डेट और टाइम जो कॉपीराइट का था वो उनका पहले का हो गया, आपका बाद का हो गया। तो इस केस में ओरिजिनल जो स्क्रिप्ट है ना, भले आपने लिखी हो लेकिन मानी जाएगी कि वो उसने लिखी है। तो यहाँ पर SWA है ना, वो कभी भी स्क्रिप्ट को पढ़ता नहीं है कि पूरा पढ़ता हूँ मैं और पढ़ करके देखता हूँ कि ये स्क्रिप्ट जो है ये पहले से रजिस्टर्ड है, नहीं वैसा कुछ नहीं है। उसके सर्वर पर भी कुछ भी इस तरह का नहीं होता है, बस बात ऐसी है ना कि वो डेट और टाइम का रिकॉर्ड रखता है। जो भी स्क्रिप्ट वहां पर आती है सब में डेट और टाइम जो है वो वहां पर रिकॉर्ड हो जाती है। और उसके बाद क्या होती है ना कि जब भी इस तरह की कुछ इश्यूज आती है, कुछ इस तरह का मामला आ जाता है स्क्रिप्ट चोरी का, तो क्या होता है SWA वहां पर डेट्स को मैच करता है और टाइम को मैच करता है। अगर डेट और टाइम जो है वो आपके फेवर में रहा, यानी आपके स्क्रिप्ट रजिस्ट्रेशन का डेट और टाइम पहले का रहा, तो क्या होगा कि आप जीत जाएंगे, आपके फेवर में SWA रहेगी और आपको आपका हक दिलाएगी। और अगर मान लीजिए कि आपके फ्रेंड जो है उनका जो डेट और टाइम है वो रहा पहले का, तो फिर वो उसके फेवर में चली जाएगी। तो यहाँ सारा खेल जो है ना वो डेट और टाइम रिकॉर्ड का है, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी है। इसीलिए कभी भी आपको अपनी स्क्रिप्ट को सुनाने से पहले, किसी को भी दिखाने से पहले उसे रजिस्टर करवा लेना चाहिए। आप भले बहुत ही भरोसेमंद पर्सन है, आपको पूरा उन पर 100% यकीन है, जैसे मान लीजिए कि इस तरह के बहुत सारे पर्सन हो सकते हैं आपके आसपास में, जैसे आपकी वाइफ हो सकती है या फिर आपके ब्रदर सिस्टर हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, तो आपको लगता है कि ये भरोसेमंद है, तो आप उनको सुनाइए, उनसे रिव्यूज लीजिए। लेकिन अगर आपको डाउट जाता है तो किसी को भी सुनाने से पहले
आपको उसे रजिस्टर करवा लेना है, और प्रोड्यूसर को जो फिल्म प्रोडक्शन हाउसेज है ना वहां पर आपको देने से पहले तो उसे 100% रजिस्टर करवा लेना है, वरना अगर आपने बिना रजिस्टर करवाने आप दे दिया ना तो एक तो पहली बात यह है कि जो जेन्युइन रहेगी वो आपकी स्क्रिप्ट को देगी ही नहीं बिना रजिस्टर के, और जो फ्रॉड रहेगी वो लेगी और चोरी हो जाएगी फिर। तो आपको यही चीज ध्यान में रखनी है। बस अगर आप उसे जैसे आपने लिखा लिखते के साथ आपने उसे रजिस्टर करवा लिया ना, तो उसके बाद अगर कोई आपकी स्क्रिप्ट को देख करके कॉपी भी कर लेता है ना, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कॉपी कर लेगा, कॉपी करके वो अपने नाम पर रजिस्टर करवाएगा, तो डेट एंड टाइम जो है ना वो किसका पहले का रहेगा, आपका पहले का रहेगा, क्योंकि आपने पहले से रजिस्टर करवा के रखा है। उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रूफ हो जाएगा कि आपने उसे पहले से लिख करके रखा है। तो यही तरीके से SWA काम करता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और सभी राइटर्स को उनका जवाब मिल गया होगा। एक बार मैं फिर से बता दूं कि अगर आपको बिल्कुल जेन्युइन फी में राइटर कार्ड बनवाना है तो आप हम लोगों से घर बैठे बनवा सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स और फी हमें सेंड करने और राइटर कार्ड आपको आपके घर पर डिलीवर करवा दिया जाएगा। तो अगर बनवाना है तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, और चलिए वीडियो को करते जाइए लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।